सोचो मत और अभी उठो और पा लो जो तुम्हें पाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो तुम पाना चाहते हो वो अभी और इसी वक्त पा लोगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत और कड़ी तपस्या करनी होगी। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन बहुत अशांत हो जाता है और अशांत मन के कारण से हमारे अंदर अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं, जिनमें उजल कर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो आज हम गौतम बुद्ध के अनुसार जानेंगे कि अपने लक्ष्य में आई हुई मुश्किलों को कैसे खत्म किया जाए। तो कहानी को एकाग्र होकर बड़े ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही इतने प्रेम पूर्ण थे कि वह किसी भी जीव को भूल से कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यही वजह थी कि सभी जीव उनसे और वह जीवों से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब सिद्धार्थ के पिता को ये बात पता चली कि उनका पुत्र पिता बनने वाला है, वह खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, जिसमें वह आदेश देते हैं कि उनके पोते की कुंडली बनाकर उसके बारे में बताएं। सभी ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़कर बताते हैं, लेकिन उस समय उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि यदि यह बात राजा को पता चलती तो वह उनको जान से मार भी सकते थे। इसलिए वह कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि आपका पोता बहुत ही महान शक्तिशाली सम्राट बनेगा। यह सुन वह बहुत खुश हो जाता है और उन्हें विराम देते हैं, लेकिन यह बात छुपाने योग्य नहीं थी। इसलिए उनमें से एक ब्राह्मण इस बारे में सिद्धार्थ की माता और उनकी पत्नी को बताते हैं कि यदि सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है तो सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी, वह जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ के पुत्र के जीवन में पिता का योग नहीं लिखा है। यह सुनकर उनकी माता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि हे ब्राह्मण, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ब्राह्मण कहते हैं, एक उपाय है, यदि आप और यशोधरा कठोर तपस्या करें तो इसका उपाय हो सकता है। सिद्धार्थ की माँ और उनकी पत्नी बहुत ही कठोर तपस्या करती हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर यह तय किया जाता है कि यदि सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें किसी जीव की बलि देनी होगी, परंतु यह बात सबको पहले से ही पता थी कि सिद्धार्थ जो किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं दे सकते, वह क्या अपना जीवन बचाने के लिए किसी मासूम जीव की बलि देंगे। यह सोचने वाली बात होती है और अंत में यह तय किया जाता है कि निश्चित दिवस को सिद्धार्थ के द्वारा बलि दिलवाई जाएगी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसलिए वह सोचते हैं कि जरूर यहाँ कोई पूजन हो रहा है, तभी मुझे ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ वहाँ पहुँचते हैं, फिर उनसे कहा जाता है, आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सिद्धार्थ खुशी खुशी बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक कटारी रखी होती है जिसे बलि दी जाएगी। उन्हें उस पर तिलक लगाने के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ थोड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि कटारी पे तिलक क्यों लगाया जाएगा, पर वह तिलक लगा देते हैं। उसके बाद वह कटारी उन्हें देकर साथ जाने के लिए कहा जाता है। वह उनके साथ चले जाते हैं। वह बलि स्थल पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक भैंस को बांध कर रखा होता है। वह लोग सिद्धार्थ से कहते हैं कि आप अब बिना कुछ सोचे एक बार में ही इस जीव के गर्दन पर प्रहार करें और उसका सर धड़ से अलग कर दीजिए। परंतु सिद्धार्थ करुणा और प्रेम का सागर है। इतनी सी बात सुनकर
ही उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है। वह कटारी को उठाते हैं और सीधा प्रहार करते हैं, लेकिन वह बलि पर प्रहार करने की वजह उसकी रस्सी पर कर देते हैं और वह रस्सी कट कर गिर जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि इस जीव की जान लेकर मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करनी पड़े तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं विश्वास भी नहीं रखता कि ऐसी किसी बात के ऊपर जो आप द्वारा बनाई गई है। वह कहते हैं, ब्राह्मण, अगर आपको हमारी इतनी ही चिंता है, हमारे राज्य की इतनी ही चिंता है, तो आपको बलि देनी ही होगी। इस निर्जीव की बलि से हमारे राज्य की रक्षा हो सकती है तो आपकी बलि से क्यों नहीं हो सकती? आप ही इसकी जगह अपनी बलि दे दे। आप क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? आपको जरा भी इस बेजुबान पर दया नहीं आती? आपके मन में एक बार भी यह भाव नहीं आया कि यह एक निर्जीव है? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ मिलकर किसी की हत्या करूंगा, आपका इस काम में साथ दूंगा? नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ उस रस्सी को पकड़कर आगे चलने लगते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि सिद्धार्थ, आप बहुत गलत कर रहे हो। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं हर तरह के परिणाम के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मुझे मंजूर है। अंत इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जानवर ही क्यों न हो, यदि आप प्रेम करना जानते हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई लाख धन जुटाने के बाद भी नहीं कर पाता है। आप भी इस तरह से प्रेम करुणा से भर जाओगे कि पूरा संसार आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वह आप खुद ही हो। सिद्धार्थ ने अपने जीवन की बिना परवाह किए उस जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाया। इस बात से हमें यह पता चला कि उनके भीतर कितना प्रेम है और उनका भाव कितना विभुर है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ऐसी तमाम कहानियां हम आपके पास समय समय पर पहुंचा सके। धन्यवाद।